कैप्टन साहब एक सवाल का जवाब अब ईमानदारी से, आपने कहा हमने बहुत कुछ किया किसानों के लिए, किसान 700 शहादत भूल जाएंगे लगता है आपको? 700 शहादत भूल जाएंगे? तिलक जी आप कैसे कह सकते हैं कि 700 किसान खत्म हुए? कोई आंकड़े हैं आपके पास? आप बताइए, खाली आपके पास है? मेरे बिल्कुल मेरे पास आंकड़े हैं कि कोई भी किसान कोई तो आंकड़े नहीं है। आप सुने मैं आंकड़े दे रहा हूं ना आपको, आप हमारे 700 किसानों की शहादत नहीं हुई, आप बोल दीजिए मैं मान लूंगा। नहीं कैसे हुई है बताइए ना आप बताइए, हम आप बताइए कैसे हुई है? कोई लड़ाई नहीं हुआ, दंगा नहीं हुआ, किसान की शहादत कैसे हो गई? कैसे हो गई आप बताइए ना, इनकी बातें देश के अंदर कोई भी ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा। किसान हो मुझे मालूम है, आपके बीच में आतंकवादी भी थे। और दूसरी बात, आप खालिस्तान समर्थक आपके बीच में ही थे, बिजली 18 समर्थक आपके बीच में थे, आप माओवादी आपके बीच में थे, प्रदेश जितने जितने आतंकवादी थे सब आपके साथ ही बैठे थे। कैप्टन साहब चलिए मैं आपकी बात मान गया, आपने मुझसे गुस्से में कहा, प्यार से कहा, नाराज होकर कहा कि 700 किसानों के आंकड़े कहां हैं आपके पास? अगर आप उपलब्ध करवाते तो मैं जरूर वही आंकड़े बताता। अगर आप कहते ना इतने किसान शहीद हुए या इतने नहीं हुए, ये झूठ बोल रहे हैं, तो मैं वही आंकड़े बोलता जो आप बताते। क्या खैर वो आपने बताया नहीं इसलिए मैंने बोल दिया 700 किसान शहीद, क्योंकि वो सूची मेरे पास भी कुछ किसानों की भेजी थी और मुझे लगा शायद आपने उस पर जांच करवाई हो। खैर अब मैं आगे बढ़ता हूं कि जब आपने आंदोलन वापस लिया था तब आपने चार कमिटमेंट किए थे, चार शर्तों पर आंदोलन वापस। अब मैं वो चार शर्तों का जिक्र कर, पहली शर्त सभी किसानों के मुकदमे वापस लिए जाएंगे। क्या लिए गए? जवाब दे सर। तिलक जी शायद आपको जानकारी नहीं होगी या होगी तो आप उसको कहना नहीं चाह रहे, प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्लियर कहा था कि किसानों का जो मुकदमों का जो मामला है वो स्टेट सरकारों के अधीन है, वो केंद्र के अंदर नहीं आता है, तो इसके ऊपर जो है ना केंद्र सरकार ही नहीं जवाब दे सकती है। एक तो इन मनोज जी को बैठा के इसे कहो बेशर्मों की तरह हंसा ना करे, बेशर्म बल्कि समाजवादियों की यही तो सबसे बड़ी पहचान है कि जहां भी जाएंगे तहां तहां कहीं ना कहीं हुआ कैसे अपनी पता नहीं हमें तो सब पता है ये भी नहीं मालूम। अरे अरे आपका नेता जैसे कैप्टन रहे होंगे। आपने कहा कि ये मसला केंद्र का नहीं है राज्यों का है, तो केंद्र और राज्य डबल इंजन की सरकार में यानी मुकदमे वापस नहीं लिए गए आप ये कह रहे हैं? इसीलिए मैं हंस रहा था तिलक जी। प्रांतों के ऊपर है, प्रांत अपने हिसाब से उसको जांच कराएगा, देखेगा मुकदमे कौन से मुकदमे कहाँ है, किस बेस में है, तो उस हिसाब से उसके ऊपर उनकी प्रक्रिया होगी। कैप्टन साहब मेरा दूसरा सवाल ये है, एमएसपी पर कमेटी बनाने का जिक्र हुआ था, क्या वो कमेटी बनी या फिर नहीं? अगर बनी तो उसका अध्यक्ष कौन है? तिलक जी ये कहा है कि इस पर कमेटी बनेगी तो बनेगी, आप तो एकदम ये देखते हो कि आम लगाओ और फल तोड़ लो, अभी कोई ज्यादा समय नहीं हो गया है, उस पर विचार हो, बिल्कुल समिति बनेगी, अगर उसको कमेंट सरकार ने किया है तो वो एक भी काम ऐसा जो नहीं है कि ना हो। आप सोचिए कि अभी एक डेढ़ महीना पहले तो इसकी घोषणा हुई है, उस बीच में चुनाव आ गए और आप कहते हो, आपने अभी से कह दिया कि बनी कि नहीं बनी, भाई जब कहा है तो जरूर बनेगी, क्यों नहीं बनेगी? तीसरा महत्वपूर्ण पहलू, लखीमपुर खीरी कांड में आरोप लगे थे मंत्री के ऊपर, मंत्री अभी भी पद पर हैं, सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया। आपने शायद सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है। मंत्री सुप्रीम कोर्ट ने उनको 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 आरोपी नहीं बनाया है, उनका बेटा आरोपी है, एसआईटी पूरी ने जांच करी है, उसमें केंद्र के मंत्री का इन्वॉल्व कहां से कहां हो गया? ना तो वहां वो प्रेजेंट थे, ना वहां वो प्रेजेंट थे, ना उनके नाम एफआईआर है, फिर आप उनको उसके बीच में क्यों लेके आ रहे हैं? आप एक चीज देखिए कि मुझे लगा कि एक विचलन निष्पक्ष होती है, एक एक पायलट जी एक 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 नहीं, अब ये बीच में बोलते भी रहा मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ में बोलना अपनी कोई नहीं समझता हूँ। कैप्टन साहब नहीं नहीं आप नाराज मत होइए, नाराज मत, पराली को लेकर आपने कहा था कि क्लॉज 415 हटा क्या, पराली को लेकर कैप्टन साहब पराली को लेकर
चला गया सर, ऑडियो चला गया कैप्टन साहब, कैप्टन साहब दूसरा सवाल पूछूं, ऑडियो चला गया, ओके हो सकता है ऑडियो चला गया, जाना चाहिए और अपनी बात